हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू LS ब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे NSE में एंट मूवी में कैसे ब्रैकेट ऑर्डर डाल के ट्रेडिंग किया जा सकता है। उसका ऊपर मैं ये वीडियो बनाया और आपको दिखाएंगे मैं कैसे ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करके आप बाय कर सकते हैं। जैसे ये एंट मूवी है और मोबाइल में जो आप लोग ट्रेडिंग करते हैं किसे आपको ब्रेकेट ऑर्डर डालना है, तो इसमें मैं आपको दिखाएंगे लाइव मार्केट में। ये आपको सपोज मैंने PNB बाय करने के लिए लिया, तो मैंने PNB में क्लिक किया, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे PNB है, तो मैं PNB में अभी क्लिक किया, राइट। तो आप देख सकते हैं अभी PNB आ गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से एक बाय ऑप्शन और एक सेल ऑप्शन मिला हुआ है हमें, राइट। सपोज हम अभी बाय करेंगे, राइट, तो बाय में क्लिक करेंगे हम, बाय में। तो मैंने बाय में क्लिक कर दिया, तो जब बाय में क्लिक कर दिया तो यहाँ जो ब्रैकेट ऑर्डर का विंडो है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये फ्लैश सीन का ऑप्शन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जब फ्लैश सीन में मैं क्लिक कर दिया तब ये ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, राइट। तो अभी मैं ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक करेंगे, तो मैंने ब्रैकेट ऑर्डर को मार्क कर दिया, राइट। तो जब ब्रैकेट ऑर्डर को मार्क कर दिया तो इसका जो पंजाब नेशनल बैंक का जो करंट प्राइस चल रहा है उसको ही ले लेता है मार्केट ने, राइट। ये 74.55, राइट। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल दिखाई देता है, एक होता है स्टॉप लॉस, दूसरा टारगेट और तीसरा टिगर प्राइस, राइट। तो और एक क्वांटिटी, हम कितना क्वांटिटी डालना है उसको यहाँ से क्वांटिटी डाल लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक काम करेंगे, अभी आपको लाइव ट्रेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ, राइट। 10 क्वांटिटी, मैं 10 क्वांटिटी बाय करेंगे और सपोज अभी मार्केट चल रहा है 74, तो मैं सपोज 2 रुपये का नीचे ऐसे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे प्राइस को नहीं, प्राइस यहाँ पे मुझे नहीं बैठाना है। जैसे प्राइस कैसा होता है, सपोज मैं 2 रुपये का नीचे 72.55, ये जो प्राइस है ये प्राइस को हम नहीं यहाँ पे नहीं बैठाना है, राइट। अगर ऐसे हम बैठेंगे तो ये मार्केट में ऑर्डर नहीं लेगा, ये रॉन्ग है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हमें ऐसा लगाना है 2 रुपया, इसलिए हम डायरेक्ट 2 रुपया लिख देंगे यहाँ पे, राइट। तो सिमिलियरली यहाँ पे टारगेट, तो टारगेट भी हमें कितना बैठाना है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमें सपोज लेना है 5 रुपया टारगेट, तो डायरेक्ट हम 5 लिख देंगे यहाँ पे, राइट। तो और एक ऑप्शन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जो SL होता है, अगर जो सपोज हमारा SL यहाँ पे था और NT यहाँ पे था, ये हमारा NT, ये SL और ये टारगेट, राइट, टेक प्रॉफिट। तो हमारा एंटी में हमने ये प्राइस में एंटर कर दिया मार्केट में। अगर मार्केट हम यहाँ पे सपोज ट्रेलिंग में 1 दे दिया, तो मतलब क्या है इसका, तो जब ट्रेलिंग हमने 1 दे दिया तो मतलब क्या है, जब मार्केट जो SL सपोज नीचे में 2 रुपये का नीचे है और एंट्री ये प्राइस में है, तो 1 रुपया जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तो SL खुद ब खुद ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब मार्केट और ऊपर 1 रुपया निकल जाएगा तो SL भी और 1 रुपया ऊपर, सॉरी, जो टिगर प्राइस होता है ना, वो जो SL होता है, तो SL भी 1 रुपया ऊपर चला जाएगा, वो होता है SL, राइट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। तो मैंने बाय कर दिया, राइट। तो जब बाय करेंगे तो विंडो जो स्टार्ट विंडो है वहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए हम देखेंगे पहले ये जो आइकॉन दिखाया दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखने से हमें यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर लिया नहीं अभी तक, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ये पेंडिंग है या रिजेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पेंडिंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है। तो जब आप पेंडिंग है तो इसका अगर वहाँ पे जहाँ है तो इधर आप मॉडिफाई भी कर सकता है,
जैसे अभी जहाँ पे हमने ऑर्डर लिया उसका थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट चला आया, तो इसलिए ऑर्डर लिया नहीं, ठीक है। इसको आप मॉडिफाई और एग्जिट भी कर सकता है, तो इसका भी दो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर अपना ऑर्डर नहीं लिया, पेंडिंग है, तो वहाँ पे फिर से आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम अभी देखेंगे मार्केट, अगर जितना प्राइस में हमें लिया है और उसमें किया, अगर प्राइस आ गया तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्राइस आ गया जहाँ पे हमने लिया था, तो एग्जैक्टली वहाँ पे प्राइस ले आ गया, तो और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो ये जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसे हमने कहाँ पे यहाँ पे सॉरी, तो हम पहले जैसे 2 रुपया ऊपर में हमने या 5 रुपया ऊपर में हमने टारगेट लगाया था, उसको थोड़ा ऊपर करना है टारगेट, तो क्या करना है, हम इधर क्लिक कर देंगे, राइट। तो हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, तो उसको मॉडिफाई और एग्जिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो अगर जो टारगेट है उसको मॉडिफाई करने के लिए आप मॉडिफाई में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मॉडिफाई में मैंने क्लिक कर दिया, फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडिफाई ऑप्शन है। तो मॉडिफाई में अगर क्लिक किया मैंने, तो मॉडिफाई क्लिक करेंगे तो जो पहले टारगेट था वो टारगेट प्राइस ऑटोमेटिक आता है, तो उसको ये आप देख सकते हैं पहले जो टारगेट था टारगेट प्राइस आ रहा है, राइट। तो इसको हमको चेंज करना है, कितना में देना है, सपोज यहाँ पे हमने 79 है, तो हम राउंड फिगर में 80 कर देता टारगेट, ठीक है। तो उसका करने का बाद आप क्या कर सकते हैं, नीचे में जो ऑप्शन है मॉडिफाई, तो मॉडिफाई में क्लिक कर दीजिए, तो देख सकते हैं आपका टारगेट कहाँ चला गया, 80 में चला गया। तो सिमिलियरली आप इसका जो टिकर पर स्टॉप लॉस को भी चेंज कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे ही हम क्लिक कर देंगे जहाँ पे टिकर प्राइस लिखा हुआ है, तो क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन आया हुआ है, राइट। तो इसको मॉडिफाई में हम क्लिक कर देंगे, तो अगर मॉडिफाई को क्लिक कर दिया तो इसमें क्या होगा, जो मॉडिफाई का प्राइस ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसको हम सपोज चेंज कर देता हूँ, मॉडिफाई हमने और राउंड फिगर में ले लिया, तो 72 में राउंड फिगर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सपोज कितना में था, 35, इसको हम चेंज कर दिया 0.40 कर दिया, राइट। अभी नीचे में जो ऑप्शन है मॉडिफाई, उसको क्लिक करना है मॉडिफाई, तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रिगर प्राइस था, ट्रिगर प्राइस भी चेंज हो गया, राइट। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.